नमस्कार, मायसेल्फ डॉक्टर कमला आर नागर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ अंगतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय सेशन फॉर बीएएमएस थर्ड ईयर अंगतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे आहार विष एवं आहार विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग के बारे में। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। चरक के अनुसार प्राणाह प्राण भूताम अन्न तदयुक्ता निहंत सूर विषम प्राण हरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम। अन्न प्राणियों के प्राण है, परंतु अयुक्ति पूर्वक सेवन करने से वह विष रूप होकर प्राणों का नाश करता है और युक्ति युक्त सेवन करने पर वह अमृत का या रसायन का काम करता है। कारणवश भोजन से या भोजन के द्वारा उत्पन्न तीव्र विषाद या विषाक्तता को भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग कहते हैं। व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किसी भी प्रकार के सविष या निर्विष भोजन या अन्न के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न रोग समूह के लिए किया जा सकता है, परंतु सीमित अर्थ में यह विषाक्त आहार से उत्पन्न विकृति का ही बोधक है। आयुर्वेद संहिताओं में उक्त दोनों ही पक्षों का विस्तार से विवेचन किया गया है। आधुनिक चिकित्सा साहित्य में इसे अजीवाणु भोजन विषाक्तता या नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग और जीवाणु भोजन विषाक्तता या बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग की संज्ञा दी गई है। अजीवाणु भोजन विषाक्तता का कारण स्वतः वनस्पतियों एवं जीवों में पाए जाने वाले विष और अकार्बनिक रसायन होते हैं। जीवाणु विषाक्तता का कारण भोजन में स्वतः उत्पन्न या आगंतुक जीवाणु और उनका जीव विष होता है। फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता प्राय सामूहिक होती है। इसके तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। एक ही समय में अनेक व्यक्तियों का एक साथ प्रभावित होना, सभी प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उसी पदार्थ का ग्रहण किया जाना तथा अधिकांश प्रभावित व्यक्तियों में एक ही प्रकार के लक्षण एवं चिन्हों का पाया जाना। उदाहरण के लिए, जैसे मिलावटी सरसों का तेल व्यवहार में लाने से या किसी समारोह में एक साथ विषाक्त भोजन करने से या जहरीली शराब पी लेने से एक ही साथ बहुत सारे लोगों का रोग ग्रस्त होना या मृत्यु हो जाना। जो अजीवाणु भोजन विषाक्तता है, नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, इस वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रकार की विषाक्तता को लिया जा सकता है। प्रथम, भोजन के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न विषाक्त, द्वितीय, धातु संदूषण से उत्पन्न विषाक्तता या मेटालिक कंटामिनेशन, तीसरी, भोजन प्रतिरूपता या असात्म्यता या फूड एलर्जी। इनमें से प्रथम के अंतर्गत आयुर्वेद में विरुद्ध आहार विहार सेवन पर सबसे अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। तो विरुद्ध द्रव्य सेवन क्या है? टेकिंग इनकंपैटिबल फूड, जिन द्रव्यों को परस्पर मिलाकर खाने से शरीर के अंदर जाकर वे प्रतिकूल या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें विरुद्ध द्रव्य कहते हैं। विरुद्ध के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए वृद्ध वाग्भट्ट ने कहा है, उत्क्लेशाय दोषान हरेद द्रव्य यत् तत्समासतः विरुद्धम त्वदी धातुनाम प्रतिनित्या स्थितम। अष्टांग हृदय के अनुसार जो द्रव्य या द्रव्य समूह दोषों को अपने अपने स्थान से विचलित या निकलने के लिए उन्मुख तो कर देता है, परंतु बाहर नहीं निकलता, उसे विरुद्ध द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य शरीर की धातुओं के प्रतिकूल होने पर भी शरीर में ही बना रहता है। चरक आचार्य चरक ने इस पर और विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा है, तमुवाच भगवान आत्रेय देह धातु प्रत्यनिक भूतानि द्रव्याणि
देह धातु भी विरोधम अपत्यन्ते परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित कानिचित संयोगात संस्कारात परात देश काल मात्रा दिधि चापणी तथा स्वभावादपणी। तो चरक सूत्र 26 के अनुसार भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा, शरीर में स्थित धातुओं से विपरीत गुण वाले देह की धातुओं यथा वात आदि दोष, रस रक्त आदि तथा मूत्र पुरुष आदि के विरोधी होते हैं। इनमें से कुछ द्रव्य परस्पर गुण विरुद्ध होते हैं, कुछ संयोग विरुद्ध, कुछ संस्कार विरुद्ध, कुछ देश काल और मात्रा के विरुद्ध तथा कुछ स्वभाव विरुद्ध होते हैं। अब जो गुण विरुद्ध होते हैं इनके तीन रूप होते हैं, ये विषमता में, समता में और विषम समता में। विषमता विरोधी यथा दूध और कुल्थी, दूध रस एवं विपाक में मधुर, गुण में स्निग्ध, वीर्य में शीतल तथा गुरु एवं मंद होता है। कुल्थी रस में कषाय, विपाक में अम्ल, गुण में रुक्ष, लघु एवं तीक्ष्ण तथा वीर्य में उष्ण होती है। दूध रेचक एवं दृश्य होता है। ठीक इसके विपरीत जो कुल्थी होती है वह ग्राही एवं शुक्र नाशक होती है। सभी भावों में एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण इनका एक साथ सेवन परिणामतः हानिकारक होता है। अब समता विरोध, गुणों में साम्य होते हुए भी कुछ द्रव्य परस्पर मिलकर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे दूध और कटहल एक साथ खाना। दोनों ही रस एवं विपाक में मधुर तथा शीत वीर्य होने पर भी एक साथ खाए जाने पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शीतल भोजन पर शीतल जल सेवन उदर शूल को जन्म दे सकता है। अब विषम सम विरोध, यथा दूध और मछली का मांस। दूध शीत वीर्य किंतु मछली उष्ण वीर्य होती है, परंतु दोनों ही मधुर विपाकी है, लेकिन इनका एक साथ सेवन करने पे ये शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अब संयोग विरुद्ध, जिन खाद्य वस्तुओं या औषधि द्रव्यों को परस्पर मिलाकर अथवा ठीक एक के बाद दूसरे का सेवन करने से दोषों का प्रकोप एवं स्वास्थ्य की हानि होती है, उन्हें संयोग विरुद्ध कहते हैं। यथा दूध के साथ अम्ल रस वाले पदार्थ जैसे कांजी, मध्य, इमली आदि, अथवा सत्तू खाने के पहले या बाद में जल का सेवन करना। संस्कार विरुद्ध, जिन वस्तुओं को पकाकर अथवा गर्म करके खाने से स्वास्थ्य की हानि होती है वो संस्कार विरुद्ध होते हैं, जैसे दही को अग्नि पर पकाकर या धूप में रखकर गर्म करके खाना। इसी प्रकार कम पकी या अधिक पकी अथवा जली हुई वस्तुएं भी संस्कार विरुद्ध हो जाती हैं। देश विरुद्ध, हर प्रदेश की जलवायुगत विशेषता अलग अलग होती है, उन विशेषताओं की अवहेलना कर खाद्य पदार्थों का सेवन करना देश विरुद्ध कहलाता है। यथा मरु प्रदेश में रुक्ष एवं तीक्ष्ण तथा आनूप देश में स्निग्ध एवं शीत वीर्य द्रव्यों का सेवन हानिकारक होता है। काल विरुद्ध, अहोरात्रि ऋतुओं भुक्त अभुक्त के अनुसार हमारे शरीर में दोषों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, उसकी अवहेलना कर भोजन को ग्रहण करना काल विरुद्ध कहलाता है। यथा रात्रि में सत्तू खाना, शीतकाल में शीत एवं रुक्ष द्रव्यों का परस्पर सेवन करना, उष्ण काल में कटु एवं उष्ण द्रव्यों का सेवन करना हानिकारक होता है। काल के उपस्थित हुए बिना अथवा काल के बीत जाने पर भोजन करना भी काल विरुद्ध होने के कारण हानिकारक सिद्ध होता है। वृद्ध वाग भट्ट के शब्दों में, अजीर्ण ही पूर्वस्य आहारस्य परिणतो रस उत्तरणे संसृज्यमान सर्वान दोषान प्रकोपे आशु। चरक सूत्र 26 के अनुसार अर्थात पूर्वाहार के जीर्ण हुए बिना
उसी पर फिर से भोजन कर लेने पर पूर्व आहार का अपरिपक्व रस उत्तर आहार के रस के साथ मिलकर सभी दोषों को प्रकोपित कर आम दोष विसूचिका एवं अजीर्ण जन्य रोगों की उत्पत्ति करता है। अतीत कालम पुनस्त्वतात विष्टब्दम कृच विपच्यते कष्टे अन्न रुचिं च पुनर्हन्ति, अर्थात काल के व्यतीत हो जाने पर बिना भूख के खाया हुआ आहार वायु द्वारा विष्टब्द हो जाता है, कष्ट के साथ पचता है, शरीर को क्रश करता है और भोजन में अरुचि उत्पन्न करता है। मात्रा वृद्ध भोजन की मात्रा का निर्धारण प्राणी के अग्नि बल और आहार द्रव्यों के स्वरूप दोनों की अपेक्षा रखता है। इन दोनों की अवहेलना करके किया हुआ भोजन मात्रा विरुद्ध कहलाता है। वृद्धवाग भट्ट ने मात्रा का लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है, कुक्षेर प्रतिपीड़न आहारेण हृदय संस्या संरोधे पार्श्व और उर्व विपाटन अनति गौरव उद्रस्य पीड़नम इंद्रियाणाम शीत पिपासो परति स्थान आसन शयन गमनोच्छ्वास प्रश्वास हास्यस्य तथासु सुखानुवृत्ति है साम्य प्रत्याश्च सुखेन परिणमन बल वर्णो उपचय करत्व चेति मात्राया लक्षणम्। आहार से आमाशय का पीड़ित न होना, हृदय पर भार या दबाव न अनुभव करना, पार्श्वों को बाहर को न निकलना, उदर का भारी न होना, चक्षु आदि इंद्रियों का पुष्ट होना, भूख और प्यास की तृप्ति, खड़े होने बैठने लेटने चलने सांस लेने बोलने और बातचीत करने में सुख का अनुभव होना, सायंकाल के भोजन का प्रातःकाल तक और प्रातःकालीन भोजन का सायंकाल तक सुख पूर्वक पच जाना, बल वर्ण और पुष्टि का होना, ये आहार की उचित मात्रा के लक्षण हैं। भोजन की हीनता और भोजन की अधिकता दोनों ही अमात्रा या मात्रा विरुद्ध है। भोजन की हीन मात्रा से होने वाले दोषों का वर्णन करते हुए वृद्ध भागवत ने कहा है, तत्र हीन मात्रम अशनम बल वर्ण उपचय मनोबुद्धि इंद्रियोपघातकम विबंध कृत वृश्यम न आयुषम अनोजस्य सार विधमापन लक्ष्मी जनम अतिशीतेश वात विकाराणाम आयतनम। अष्टांग संग्रह के अनुसार हीन मात्रा में भोजन बल वर्ण पुष्टि मन बुद्धि और इंद्रियों का नाश करता है, विबंध करता है, अवृश्य है, अनायुष्य है, ओज को नहीं उत्पन्न करता, त्वक आदि आठ सारों का नाश करता है, दारिद्र्य उत्पन्न करता है और 80 प्रकार के वात रोगों को जन्म देता है। और अति मात्रम पुनः सर्वदोष प्रकोपनम आहु, अर्थात भोजन की अति मात्रा सभी दोषों को प्रकोपित करने वाली है, इससे अलसक और विसूचिका जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आहार विष के संदर्भ में हम विरुद्ध आहार और उपहार के बारे में वार्ता कर रहे हैं। इससे विष की जो विषाक्तता है, आहार विष की विषाक्तता, इसका जो आगे का है वो हम अगले सेशन में उस बारे में और विस्तार से वर्णन करेंगे। आयुर्वेद में इनकम्पैटिबल या विरुद्ध आहार विहार की संकल्पना आज के मॉडर्न जमाने के संदर्भ में बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक है। इस पर विचार करके अपना आहार विहार नियंत्रित करके हम बहुत सारे विषजन्य उपद्रवों से बच सकते हैं। अगले सेशन में इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगली वार्ता करेंगे। धन्यवाद। आशा है आपके लिए ये सेशन लाभकारी रहा होगा। धन्यवाद।